स्टूडेंट्स के सामने एक और वीडियो लेके मैं आज उपस्थित हो रहा हूँ। दोस्तों, जैसा कि अगले वीडियोस में मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन इन BF3 मॉलिक्यूल एक्सप्लेन किया था, एप्लीकेशंस ऑफ सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी के जरिए हम डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स में हाइब्रिडाइजेशन किस टाइप का होगा, कौन सी ऐसी एटॉमिक ऑर्बिटल्स है जो सेंट्रल एटम की आसपास हाइब्रिडाइज होती है। तो दोस्तों, इसका टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कंफर्म करने के लिए आज एक और एग्जांपल लेके मैं आपके सामने आ रहा हूँ। और दोस्तों, इस वीडियो का आज का टॉपिक जो है वो हाइब्रिडाइजेशन इन NH3 मॉलिक्यूल। दोस्तों, सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी की मदद से हम कैसे ऐसे NH3, BF3 और सारे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है जो इसमें हाइब्रिडाइजेशन कंफर्म कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज का ये वीडियो अगले वीडियो की तरह आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो दोस्तों, सभी MSc सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स जो हैं उनका CHNN-404 यूनिट नंबर 1 और 2 जो है उसमें इंक्लूडेड ये टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन इन NH3 मॉलिक्यूल, यानी कि हमें NH3 में कौन कौन सी एटॉमिक ऑर्बिटल्स है जो नाइट्रोजन की एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करके उसमें किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म करता है, ये हमें सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी के जरिए कन्फर्म करना है या फिर डिटरमाइन करना है। तो हम यहाँ डिटरमाइन करने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटेड इन द हाइब्रिडाइजेशन इन NH3। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हाइब्रिडाइजेशन इन NH3 मॉलिक्यूल। सबसे पहले दोस्तों, NH3 में हाइब्रिडाइजेशन कंफर्म करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि NH3 जो है उसका शेप ऑफ मॉलिक्यूल, दैट इज ट्राइगोनल पिरामिडल, यानी कि उसका पॉइंट ग्रुप जो है वो C3V है। तो हमें कैरेक्टर टेबल में C3V का पॉइंट ग्रुप जो है उसका कैरेक्टर टेबल इस तरह से निकालना होता है, यहाँ पर लिखना होता है। तो ये पूरा जो मैंने बताया है ये NH3 का, यानी कि C3V पॉइंट ग्रुप का पूरा कैरेक्टर टेबल है, जिसमें 3 A1 B1 E ये 3 इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है। और यहाँ पर 3 क्लासेस ऑफ सिमेट्री है, E2C3 एंड 3σV, ये सारे कैरेक्टर्स है। ये IR एक्टिवेशन पार्ट है, ये रामन एक्टिवेशन पार्ट है। तो इस तरह से ये पूरा C3V का, यानी कि NH3 का कैरेक्टर टेबल है। अब हमें यहाँ से दो बातें सीखनी है दोस्तों। यहाँ पर 3 क्लासेस है और 3 इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन आर इक्वल टू द नंबर ऑफ क्लासेस। ओके, और 3+2+1, यानी कि 3, 2, 5 और 1, 6, तो ये 6 हमें उसका वर्ग, यानी कि ऑर्डर ऑफ द पॉइंट ग्रुप, ये जो है पॉइंट ग्रुप उसका ऑर्डर जो क्या है, तो H=6, 3+2+1। अब हमें इसमें हाइब्रिडाइजेशन के लिए नाइट्रोजन के आसपास कितने सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुए हैं इसके जरिए हम इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर पिरामिडल नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन के आसपास 3 हाइड्रोजन 3 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म किया है और तीनों सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर मैंने दिखाए हैं। अगर ये तीनों के ऊपर हम ई सिमेट्री ऑपरेशन करेंगे तो तीनों में से एक भी सिग्मा बॉन्ड अपनी पोजीशन नहीं बदलता है और तीनों रिमेन्स एज सच। सो द कैरेक्टर ऑफ गैमा सिग्मा फॉर ई, दैट इज 3। ओके, देन इन केस ऑफ C3, अगर हम C3, ये C3 अक्ष नाइट्रोजन में से पास होती है, 120 रोटेट करेंगे तो सिग्मा 1 ये बॉन्ड जो है, दिस विल कम हियर, दिस विल कम हियर एंड दिस विल कम हियर, यानी कि तीनों सिग्मा बॉन्ड अपनी पोजीशन बदल देते हैं, है ना। तो एक भी अनशिफ्टेड बॉन्ड नहीं रहता है। तो कैरेक्टर ऑफ C3
ये C3 है दोस्तों, यहाँ गलती से C2 लिखा है लेकिन C3 है, ठीक है। तो 2C3 दैट इज 0, ओके। ये इट इज़ बाय मिस्टेक 3C2 लिखा है लेकिन 2C3 है, 2C3 एंड 3σv। सो 2C3 यहाँ कैरेक्टर आएगा 0। अब हम σv लेंगे तो σv पासिस थ्रू नाइट्रोजन एंड एनी हाइड्रोजन। ये जो अगर σv है तो σ3 विल कम हियर, σ1 विल कम हियर। अगर नाइट्रोजन और AH में से σv पास होता है तो σ3 विल कम हियर, σ2 विल कम हियर। यानी कि कोई भी σv हम लेंगे तो एक नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन, दे विल नॉट चेंज देयर पोजिशन। सो सिंगल सिग्मा बॉन्ड σv में अपनी पोजिशन नहीं बदलता है। यानी कि अगर हम कोई भी सिग्मा करते हैं तो एक सिग्मा बॉन्ड है वो अपनी पोजिशन नहीं बदलता है। तो इस तरह से ये सारी सिमेट्री ऑपरेशन के बाद हमें वी हैव नाउ अ रिप्रेजेंटेशंस गैमा, यानी कि गैमा सिग्मा है ना, ऑफ दिस ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल्स दैट हैज द सिमेट्री गैमा सिग्मा 301। आप समझ गए होंगे कि ये किस तरह से ये कैरेक्टर्स हमें मिले हैं, यानी कि गामा रिड्यूस भी बोल सकते हैं हम, गैमा सिग्मा भी बोल सकते हैं। तो गैमा सिग्मा के कैरेक्टर्स हमें इस तरह से मिलते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये ग्रेट ऑर्थोगोनालिटी का थियरम जो है उसमें से हमें ये इक्वेशन मिलता है। दिस इज हेल्पफुल फॉर द कैलकुलेशन और डिटर्मिनेशन ऑफ एनी नंबर ऑफ इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस। यानी कि कोई भी इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है उसकी कितने नंबर है, कितनी संख्या में वो मिलते हैं, उसकी कैलकुलेशन हम ये इक्वेशन के जरिए करते हैं। तो दोस्तों आप देखिए, मैं पूरा का पूरा ये पहले बता दूं आपको। यहाँ पर 3 इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है, A1, B1, E कैरेक्टर टेबल में हमें दिखाई दे रहे हैं लेफ्ट साइड में, राइट। तो A1 की कीमत कितनी है, A1 की संख्या कितनी है, नंबर्स कितने हैं, B1 के नंबर्स कितने हैं, E के नंबर्स कितने हैं। तो ये एक्सप्रेशन जो है, इक्वेशन है, वो हमें ये डिटरमाइन करने में बहुत मदद कर सकता है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, जो ये तीसरी फिगर है 301, यानी कि 301, फिर मैं अगली स्लाइड में ले जाऊँ, NR का मतलब है E की संख्या कितनी है, 1, C3 की 2 और σv की 3। तो ये जो 3, 2 और 1, ये जो फिगर है नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशंस दैट इज NR। तो हमें ये 1, 2 एंड 3, ये जो फर्स्ट वाली जो फिगर है वो हमने फिलअप कर दी, और सभी में हमें इस तरह से ही फिलअप करनी है। तो देखिए B1 में भी पहली फिगर 1, 2, 2C3, सो इट इज़ 2, 3σv, तो ये 3 आ गया। यहाँ पर 1, 2 और यहाँ 3 होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर 3 होना चाहिए, इट इज़ बाय मिस्टेक 1 बट इट इज़ 3, ओके। अब हमें तीसरी फिगर लेनी है, तीसरी 301, यहाँ पर भी 301, यहाँ पर भी 301। तो ये क्या है, तो ये जो दोस्तों हमने गैमा सिग्मा लिया, ये गैमा सिग्मा हमें मिला ई का 3, C3 का 0 और σv का 1। तो ये फिगर हमें यहाँ लिखनी है लास्ट में 301, यहाँ पर भी 301। अब बीच वाला जो कैरेक्टर है सब में बीच वाला, ये हमें कैरेक्टर टेबल में जो ये उसका कैरेक्टर्स है वो लिखना है। A1 में हम लिखेंगे बीच वाला में 1, 1, 1, इसमें सभी प्लस 1 है, तो हम यहाँ पर भी सब प्लस 1, बीच वाला प्लस 1, 1 एंड 1। फिर B में, तो B में हमें 1, 1, -1, यानी कि यहाँ पर B में 1, 1 एंड -1। फिर ई में लेना है, तो ई में 2, -1, 0, तो हमें
तीसरी फिगर जो तीनों में रखनी है वो है ई में 2 -1 0। ठीक है, तो इस तरह से हमें ए वन की नंबर जो मिलती है वो 1 मिलती है, यानी कि देर इज अ सिंगल ए वन। फिर बी वन टाइप के हमें 0 मिलते हैं, यानी कि कोई नहीं है, 0 है। फिर ई टाइप के हमें 1 मिलता है। ठीक है, यहाँ पर 3 रखना है हमें, ये 3 2 6, फिर ये 3, ये 0, 3 0 1, यानी कि 1 2 1, यहाँ 3 आएगा, फिर यहाँ 2 -1 0, तो 2 -1 0, 1 2 3, 2 -1 0, 1 2 3, 3 2 -1 0, एंड दिस इज 3 0 1, 3 0 1, 3 0 1। तो इस तरह से हमें ई मिलेगा, यहाँ पर 3 करना है हमें, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 3 2 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा, इट विल 1। तो हमें ए वन टाइप का जो रिप्रेजेंटेशन है उसका नंबर मिलेगा 1, और 1 नंबर मिलेगा ई टाइप का, यानी कि ए वन प्लस ई। ठीक है, तो हमें ये दो तरह के गैमा रिड्यूस मिले, और जैसे कि हम जानते हैं द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप दैट इज एच, एंड एस इज इक्वल टू 6 इन NH3। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पर 6 लिखे हैं, 1/H, H इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ओके, देन गामा रिड्यूस इज ए वन प्लस ई, क्योंकि ए वन टाइप का 1 मिला, ई टाइप का 1 मिला, तो गामा रिड्यूस इज, यानी कि गामा सिग्मा हमें यहाँ गिनती में कैलकुलेट करते हैं, तो गामा रिड्यूस मिलता है ए वन प्लस ई। सो द टोटल ऑर्बिटल्स यूज्ड इन हाइब्रिडाइजेशन मस्ट हैव द सिमेट्री ए वन प्लस ई, यानी कि जितनी भी ऑर्बिटल्स यहाँ हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करती है, ये ऑर्बिटल्स की सिमेट्री ए वन और ई टाइप की होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि फिर से मैं अगली स्लाइड बताऊँ तो ए वन टाइप की और ई टाइप की, ये कैंसिल हो गया। ए वन टाइप में पी जेड ऑर्बिटल यहाँ हमें मिल सकती हैं हाइब्रिडाइजेशन में, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि एस ऑर्बिटल, पी जेड ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल एंड डी जेड स्क्वायर। लेकिन जैसे हम जानते हैं डी जेड स्क्वायर दैट इज डी ऑर्बिटल, सो डी ऑर्बिटल इज सो फार फ्रॉम एस एंड पी ऑर्बिटल्स इन नाइट्रोजन, सो दिस डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी इट इज टू हाई दैट इट कैन नॉट बी पार्टिसिपेटेड इन दिस हाइब्रिडाइजेशन। सो यहाँ पॉसिबिलिटी है पी जेड ऑर्बिटल की और एस ऑर्बिटल की, और यहाँ पर ई में पॉसिबिलिटी है पी एक्स ऑर्बिटल, पी वाई ऑर्बिटल, देन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड। लेकिन ये सारी डी ऑर्बिटल्स दे आर हैविंग टू मच एनर्जी देन दिस पी एक्स एंड पी वाई, सो दे कैन नॉट बी पार्टिसिपेटेड इन दिस हाइब्रिडाइजेशन। सो पॉसिबिलिटीज इज एस ऑर्बिटल की है, पी जेड ऑर्बिटल की है, पी एक्स और पी वाई की है। तो इसी तरह से दोस्तों हमें यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करना है द पी एक्स एंड पी वाई ऑर्बिटल्स, ठीक है, एंड द डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी एक्स वाई जेड ऑर्बिटल्स हैव ई सीमेट्री, ये सारी ऑर्बिटल्स है उसको ये सीमेट्री मिलती है। सिंस द डी ऑर्बिटल्स ऑन नाइट्रोजन आर टू हाई इन एनर्जी सो दे विल नॉट बी यूज, तो यहाँ पर पी एक्स और पी वाई की पॉसिबिलिटी हमें ज़्यादा मिलती है। फिर पी जेड एंड डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स हैव ए वन सीमेट्री,
वहाँ पर भी यही पोजीशन होती है कि डी ऑर्बिटल्स ऑन नाइट्रोजन आर टू हाई इन एनर्जी, सो ऑल्सो डी जेड स्क्वेयर विल नॉट बी यूज इन दिस हाइब्रिडाइजेशन. अगेन ए वन हैज एस ऑर्बिटल सिमेट्री, सो यहाँ सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है वो सिंगल एस, देन पी एक्स पी वाई एंड पी जेड. यानी कि अगर हम शॉर्ट में कहें तो यहाँ एन एस थ्री का जो मॉलिक्यूल है उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए. तो दोस्तों इसी तरह से ये जो ग्रेट ऑर्थोगोनालिटी थियरम है और ये अगली स्लाइड में जो मैंने बताया ये पूरा ये सिमेट्री ऑपरेशन के जरिए हम गामा सिग्मा हम यहाँ पर डिटरमाइन करते हैं. तो ये दोनों की मदद से हम उसका जो पूरा हाइब्रिडाइजेशन है उसका जो टाइप है किस टाइप का यहाँ हाइब्रिडाइजेशन NH3 मॉलिक्यूल में हो सकता है ये सारी बताने की हमने पूरी कोशिश की है. बहुत सिंपल लैंग्वेज में और बहुत सरल भाषा में मैंने ये आपके समक्ष ये वीडियो रखा है. दोस्तों आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी BF3 की तरह ही हाइब्रिडाइजेशन डिटरमाइन करने में आपको बहुत बहुत हेल्पफुल हो सकता है. अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको बहुत बहुत लाइक कीजिए, आपके सभी ग्रुप्स में उसको शेयर भी कीजिए, और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करने का प्रयास कीजिए दोस्तों. और आई होप यू विल एन्जॉय इट एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियोज़. थैंक यू, धन्यवाद.